नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, गया खेल लेने। पहले ये बताओ कौन हो तुम? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो? आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? जी बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम ही बता दो कौन हो। अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा जी, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए भाई साहब। अरे जानकी बहू, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? देखो तो माँ जी, आपके दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है बहू, तुम उसका अच्छे से खातिरदारी करना, तब तक हम नहा कर आते हैं। और बताओ भाई साहब, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाभी जी, आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले के कुछ बदमाश कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे, जिनकी वजह से 1 घंटे का सफर कब 5 मिनट में गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। शुक्र है भगवान का, आप बिना परेशानी के सही सलामत घर आ गए। आप ये बताओ, आप क्या पियोगे, चाय या दूध? अरे भाभी जी, मैंने सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होता है, आप एक काम कीजिए, आप दूध ही ले आइए। ठीक है भाई साहब, आप आराम शुरू कीजिए, अभी मैं 2 मिनट में जाती हूँ, 5 मिनट में आती हूँ। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है जादू, ऐसा दूध तो मैं आज तक कभी नहीं पिया। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ भाई साहब, अब ये बताओ खाना क्या खाओगे आप? देखो भाभी जी, मैं ठहरा सीधा सिंपल आदमी, देसी रोटी खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो एक काम कीजिए, गुलाब जामुन बनाकर ले आइए, मैं वही खा लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप तब तक बैठिए, मैं पंखा ऑन कर दिया हूँ, आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, बिन बुलाए मेहमान को चाय नाश्ता दिया कि नहीं? अरे माँ जी, मैंने बिन बुलाए मेहमान को चाय नाश्ता दे दिया हूँ, आप जाता हूँ गुलाब जामुन लाने। लगता है इन लोगों को पता चल गया है, लगता है अब हमको फोन करके ही आना पड़ेगा, तब ये लोग नहीं करेंगे बिन बुलाए मेहमान। अरे आम, मैंने सुना है कि तुम कटहल से शादी करने जा रही हो। हाँ तुमने सही सुना है अमरुद भैया। देखो रानी, मुझे इस तरह तुम भैया मत बोलो। ये कौन सी बात हुई, तुम्हें भैया नहीं तो सैया बोलू? हाँ तो बोल दो ना सैया, वैसे भी हम तुमसे प्यार करते हैं। देखो अमरुद, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मैं तुमसे प्यार करूँ? देखो औकात की बात मत करो रानी, हमारे बिना तुम्हें इस संसार में मान न सम्मान मिलेगा। देखो अमरुद, मुझे तेरी मान सम्मान की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत बड़ा हस्ती हूँ, मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ मुझे देखने के लिए पैसे वाले की लाइन लग जाती है। देखो रानी, तुम इतना मत अकड़ो, तुम भी एक मामूली सी हमारी तरह सब्जी हो, कोई देश की प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तू मेरा फायदा उठाकर बकर बकर बोल रहा है। हाँ हूँ मैं देश की प्रधानमंत्री, अब बोल क्या कर लेगा तू? अबे रानी, तुम सुबह सुबह किस भिखारी की मुंह लग रही हो? देख कटहल, तू मेरे बारे में कुछ बोला तो तुम भिखारी किसे बोल रहा है, तेरी गर्दन पकड़ कर काट दूंगा। बारह आया मुझे काटने वाला, तुझे पता है मेरे आगे पीछे 8-8 बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं। अरे सुनो जी, तुम भी किस भिखारी से मुंह लगा रहे हो, चलो। अरे रानी, भिखारी तुम किसे बोल रही हो, भिखारी तो तू होगी।